जो वाइन शॉप में जो कैश जमा होता था वो दूसरे दिन 12 बजे वो बैंक में जमा करते थे। वो HDFC बैंक मारवे रोड में जो है मारवे रोड पे, उसमें से वो जब 18 तारीख को पैसा जमा करने के लिए गए अप्रैल के, तो उधर उनको एक शख्स मिला जो पहचानते नहीं वो शख्स को। तो उसने बोला दुकान में तुम्हारे काम करने वाले प्रमोद को, मनोज को जानते हैं क्या, ऐसा बहुत सारे उन्होंने नाम लिया। तो उसमें से एक दो नाम में उसका वो बोला यादव को मैं पहचानता हूँ ऐसा, तो वो ऐसा बोल के बोला कि यादव ने तुमको पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा रखा है, हमारे साहब तुमको काम करने वाला, तो उसको बोल के पहला 50,000 रुपये ले लो, ऐसा बोल के उसको 50,000 रुपये दिया गिनने के लिए। तो उसका उसको कॉन्फिडेंस में लेके विश्वास संपादन किया, तो बाद में बोला 2.5 लाख एक साथ में देंगे, तुम बैंक में तुम्हारा पैसा जमा कर लो, ऐसा बोल के जब वो मैनेजर बैंक में पैसा जमा करने के लिए आया, तो बाद में वहाँ बैंक में उसके पीछे आया, बोला कि तुम्हारा जो यादव तुम्हारा दूसरा मैनेजर है उसका पैसा वो लेके आके आदमी आया बैंक के बाहर खड़ा है, तुम ले जाके पैसा ले लो। तो जैसा ही बाहर गया तो काउंटर पे रखा हुआ उसमें बैग था जिसमें 98,000 कैश था, वो लेके उसने वो भाग गया। तो ऐसा उसको गुमराह करके उसने 98,000 का चीटिंग किया था। तो उसके बारे में जो पुलिस के सामने उसके केस दर्ज हुआ, तो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में जो टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें से CCTV फुटेज और बाकी सारी चीज़ें में, तो उसका चेहरा तो पुलिस को पता चला, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता था। तो बहुत सारे पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन के जो किट्स रहते उसका यूज़ करके उसका लोकेशन ट्रेस किया और उसको दहिसर में अरेस्ट किया।